हेलो स्टूडेंट्स बच्चों, आज आपको पढ़ना है चैप्टर 6 वर्ड पैड। एक बार फिर से रीड कीजिए क्योंकि अभी आपका ये चैप्टर पूरा रीड नहीं हुआ है। तो जब तक चैप्टर रीड नहीं होगा बच्चों, तो आप इसमें दी गई एक्सरसाइज को फिलअप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आज पूरा चैप्टर आप लोग रीड कीजिए। रीड करते ही आप अपना उसका ऑडियो भेजिए, ओके, जिससे कि हमको ये पता चलेगा कि कितने बच्चों ने रीड किया है। सभी बच्चों को रीड करते हुए अपना ऑडियो भेजना है। टू ओपन एन एक्सटेंड, हाँ, पेज नंबर 35 ओपन कीजिए सभी बच्चे। पेज नंबर 35, ओके, आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं पेज नंबर 30। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है पूरा चैप्टर, है ना, पढ़ चुके ना, कर्सर के बारे में, टाइटल बार, कर्सर, रिबन, एक क्विक एक्सेस बार पढ़ाया है ना। आज आपको पढ़ाएंगे टू ओपन एंड एक्सटिंग डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो चलिए हम रीड करना शुरू करते हैं। टू ओपन एंड एक्सटिंग डॉक्यूमेंट्स, क्लिक द वर्ड पैड मेनू बटन एंड देन क्लिक ओपन। पहले तो आपको मेनू बटन को क्लिक करना पड़ता है और उसके बाद उसको क्लिक करके ओपन करना होता है। अ डायलॉग बॉक्स अपीयर, सेलेक्ट द फाइल नेम, है ना। इसके बाद आपको उसके फाइल जो नेम होते हैं फाइल के वो सेलेक्ट कीजिए। एयर पोल्यूशन फ्रॉम द लिस्ट, क्लिक ऑन ओपन। पेज सेटअप, दिस ऑप्शन इज यूज्ड बिफोर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट्स फॉर एनी चेंजेस दैट नीड टू बी मेड इन द साइज ऑफ द पेपर। इनकी इनकी कब नीड होती है, जब हमको पेपर के साइज बनाने की, ठीक है, पेपर का साइज हम ही सिलेक्ट करेंगे कि कितने पेपर की साइज कैसी होनी चाहिए। साइज, यू कैन चेंज द साइज ऑफ द पेपर बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। आपको जो भी पेपर चाहिए, जिस भी साइज का पेपर चाहिए, तो वो आपको इस ऑप्शंस को यूज करने से पहले, इस ऑप्शंस को यूज़ करने से पहले ही जो भी चेंज करनी है पेपर में वो चेंज कर सकते हैं। ओके, ओरिएंटेशन, हेयर यू चूज द लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ऑप्शन। मार्जिन, यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन टू चेंज द मार्जिन साइज एज पर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। टू सेलेक्ट पेज सेटिंग Before printing, click on the WordPad menu button picture, click page setup and select the option you want. A window of page setup appears. The page setup dialog box allows you to customize some of the features of the document you want to print. For example, you can change the size of your paper as well as the margin at the top, bottom and either is of the paper. The page setup dialog box look like the picture below. You can change the size, orientation and margin as desired for printing the documents. Turn over next page. The ribbon, पढ़ना है बच्चे यहाँ पे द रिबन। ओके, इसको फॉर्मेटिंग टेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे लिखा है दिस टूल आर यूज्ड टू एडजस्ट द अपीयरेंस ऑफ इंक इन द डॉक्यूमेंट्स। फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, left align text, right align text, center align text and quick access toolbar। बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर इससे पहले क्या हो गए ना, तो अब आपको केवल इस बुक को रीड करना है और रीड करने के बाद जो भी इसमें एक्सरसाइज दी है आप लोग उसको फिल कर देंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पर लिखा फॉन्ट क्या है, This function is used to select the font style and font size kya hai? This function used to increase or decrease the font size
इन फंक्शन का यूज़ आप किस लिए करते हैं? फॉन्ट, जैसे फॉन्ट है तो फॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट करने के लिए फॉन्ट यूज़ करते हैं। फॉन्ट साइज के लिए आपको क्या करना है, जिसे बढ़ाना है या कम करना है, इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो उसके लिए फॉन्ट साइज को हम सिलेक्ट करते हैं। बोल्ड क्या होते हैं बच्चों? दिस फंक्शन मेक्स द सिलेक्ट टेक्स्ट बोल्ड एंड इटैलिक। दिस फंक्शन मेक्स द सिलेक्ट टेक्स्ट इटैलिक साइज्ड। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये क्या है, इनको आपको पढ़ना है। ये है द रिबन के पार्ट्स। ओके, तो अब आप ये जो रिबन होते हैं, रिबन में ये सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, इन ऑप्शंस को लर्न करना है। और ये ऑप्शन किस लिए, ये फंक्शन जो दिए गए हैं, ये फंक्शन किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये रीड करना है, रीड करने के साथ साथ लर्न भी हो जाना चाहिए कि जैसे अंडरलाइन है तो अंडरलाइन फंक्शन किस लिए यूज करते हैं, सेलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, कलर, कलर फंक्शन क्या करते हैं, दिस फंक्शन अलाउ यू टू चेंज द कलर टू सेलेक्ट टेक्स्ट। जो भी आप टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं उसके कलर को चेंज करने के लिए भी ये अलाउ करता है। दिस फंक्शन अलाइन द सेलेक्टेड पैराग्राफ, है ना। अब जो लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट है, ये पैराग्राफ को टू द लेफ्ट, है ना, पैराग्राफ टेक्स्ट टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड जाना है या फिर पैराग्राफ चेंज करना है, तो उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। तो इसी प्रकार से अब आपको पढ़ना है क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार को भी पूरा कंप्लीट कर लीजिए। क्विक एक्सेस बार के जो पार्ट होते हैं अंडू एंड रेडू, ओके, ये पूरा आपको रीड करना है। रीड करने के बाद बच्चों दिए गए एक्सरसाइज को आप फिल करेंगे, वो है आपके स्किल बुक में। ओके, हालांकि मैं उसको कंप्लीट मैं ही कराऊंगी, लेकिन एक बार आपको बुक रीड करने के बाद कोशिश करनी है कि आप उस बुक की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों।